शुरुआत करते हैं दिल्ली से खबर, जहां आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। भाजपा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भाजपा ने पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर मध्य प्रदेश के लिए 39 कैंडिडेट्स और छत्तीसगढ़ के लिए 21 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की थी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है और हो सकता है नेहा इस बार भी दूसरी लिस्ट जारी हो। इसके लिए नामों पर मंथन और चिंतन चल रहा है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर अब लगातार मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर खास तौर से फोकस और यही वजह है कि 21 कैंडिडेट के नामों की घोषणा तो हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, 39 कैंडिडेट मध्य प्रदेश के नामों की हो चुकी है पहली सूची में और दूसरी सूची अब जल्द से जल्द जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। स्पर्श शर्मा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। स्पर्श, क्या जानकारी, क्योंकि अब दूसरी लिस्ट के लिए उन नामों पर खासतौर से मंथन चिंतन चल रहा है। देखिए बिल्कुल, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, देर शाम ये बैठक होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में रहेंगे, तमाम सीनियर नेता इस बैठक में रहेंगे और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की टिकट को लेकर यहाँ पर मंथन जो है सीधे तौर पर होता हुआ नजर आएगा। हमने देखा कि किस तरीके से दो दिन मैराथन बैठ के जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय आलाकमान के साथ में जो अलग अलग स्टेट्स के लीडर्स हैं उनकी होती जो है नजर आई थी और कहीं ना कहीं अंतिम मोहर जो है लगाई गई पैनल को लेकर। और आप वो जो सूची है वो केंद्रीय आलाकमान यानी केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाती हुई नजर आएगी। उसके बाद हो सकता है कि एक और प्रत्याशियों की सूची जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो फाइनलाइज करती हुई जो है नजर आ सकती है। हमने पहले भी देखा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी पिछली बार तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो है जो प्रत्याशियों की सूची है वो फाइनल करके जो है जारी कर दी गई थी और उसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया भी रखे गए थे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, मतलब की ABCD क्राइटेरिया जो है रखा गया था, यानी ए कैटेगरी जो सीट भारतीय जनता पार्टी जो है जीतती हुई नजर आ रही है, बी कैटेगरी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे नंबर पर देखने को मिलती नजर आ रही है और डी कैटेगरी जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चुनाव जीती थी। तो ऐसे में ये तमाम क्राइटेरिया, जातिगत कॉम्बिनेशन, क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज उसी को लेकर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि एक और सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को लेकर जारी होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो तमाम पहलुओं और तमाम जानकारों के बाद उसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें उन नामों पर मुहर लग सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।